शालू वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट बाय बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है बेसिडियो माइसिटीज। इन्हें कॉमनली क्लब पंजाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है बेसिडियम। तो बेसिडियम जो है प्रेजेंट होती है, तो बेसिडियम का जो आकार है वो एक क्लब के जैसा होता है जो कि ऊपर से चौड़ी और नीचे से सकड़ी होती है। तो इसलिए इन्हें क्लब पंजाई कहा जाता है, यानी कि इनकी शेप जो है क्लब की जैसी होती है, इसीलिए इन्हें क्लब पंजाई कहा जाता है। नेक्स्ट है मशरूम, ब्रैकेट, पफ बॉल्स आदि जो है इसका एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स ऑफ वुड, यानी कि जो वुड यानी लकड़ी के जो अपघटक हैं उस पर ये पाई जाती है। लॉग्स, लॉग्स भी लकड़ी के टुकड़े को बोला जाता है, तो लकड़ी के टुकड़ों पर ये पाई जाती है। सॉइल, मिट्टी में ये पाई जाती है। लिविंग जो प्लांट बॉडी है यानी कि जो पादप का जो शरीर है, जीवित पादप का शरीर है, उस पर भी ये पाई जाती है। किसके रूप में, रस्ट और स्मट के रूप में। तो डिटेल से हम इनको एग्जांपल्स में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए जो माइसीलियम है यहाँ पर, तो ये माइसीलियम जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी माइसीलियम और एक होता है सेकेंडरी माइसीलियम। तो प्राइमरी माइसीलियम जो होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है, यानी कि यहाँ पर एक ही केंद्रक पाया जाता है और ये शॉर्ट लिव होता है, यानी इसका जो जीवन काल है अल्पकाल के लिए होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। जो सेकेंडरी जो माइसीलियम है वो डाइकैरियोटिक होता है, यानी इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं और ये लॉन्ग लिव्ड होता है, यानी कि इसका जो जीवन काल है वो लंबा होता है। तो यहाँ माइसीलियम देख लीजिए, तो जो सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है यानी शाखित होता है और सेप्टेट होता है यानी कि पटयुक्त होता है। तो यहाँ देखिए किस तरह का होता है, तो यहाँ सेप्टेट है यानी कि पट बने हुए हैं और प्रत्येक पट में जो है, ये कॉमन माइसीलियम की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक केंद्रकी होता है, यानी कि मोनोकैरियोटिक जो है वो एक केंद्रकी होता है, यानी एक ही केंद्रक पाया जाता है। और जो सेकेंडरी जो माइसीलियम है वो डाइकैरियोटिक हो जाता है, यानी कि प्रत्येक सेप्टम में दो केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जो सेप्टम होता है यहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम, यानी यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं सेप्टम के जो बीच में, इसीलिए इसे डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। तो ये जो सेप्टम होता है उसका आकार यहाँ पर डोम शेप्ड हो जाता है, डोम के आकार का हो जाता है, इसीलिए इस संरचना को जो है डोलीपोर सेप्टम कहा जाता है, यानी कि जो दो सेप्टा हैं उनके बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जो कि डोम शेप्ड का होता है, इसीलिए इसे डोलीपोर सेप्टम भी कहा जाता है। यहाँ देखिए डोलीपोर सेप्टम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्लैंप कनेक्शन। तो क्लैंप कनेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर जो माइसीलियम जो मोनोकैरियोट से डाइकैरियोटिक हो जाता है उसका रीजन होता है क्लैंप कनेक्शन। तो समझते हैं क्लैंप कनेक्शन क्या होता है। तो क्लैंप कनेक्शन जो होता है एक ट्यूबुलर रिलेशनशिप होता है दो सेल्स के मध्य, यानी कि एक नलिका का संरचना होती है जो कि दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है, जिसमें क्या होता है दो कोशिकाओं के मध्य केंद्रकों का आदान प्रदान होता है। यानी कि यहाँ देखिए टू नियर बाई सेल्स जो दो समीपवर्ती कोशिकाएं उनके मध्य केंद्रकों का आदान प्रदान होता है, यानी कि तो एक केंद्रक जो है यहाँ पर एक सेल से दूसरी सेल में माइग्रेट होकर चला जाता है, ठीक है, नेबरिंग सेल्स में यानी समीपवर्ती कोशिका में। जो दूसरी जो कोशिका है जिसमें जाता है वो कोशिका जो है वो बायन्यूक्लिएट हो जाती है, यानी डाइकैरियोटिक कह सकते हैं बायन्यूक्लिएट, यानी कि एक कोशिका में दो केंद्रक हो जाते हैं, तो इसलिए वो द्विकेंद्रकी हो जाती है। तो यहाँ वर्क देखते हैं हम क्लैंप कनेक्शन का वर्क क्या है। तो क्लैंप कनेक्शन के कारण ही जो माइसीलियम है जो मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक हो जाता है, यानी एक केंद्रकी से द्विकेंद्रकी हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है उनमें से केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो भी सोमेटोगेमी के द्वारा होता है। तो कैसे होता है, यहाँ पर क्या होता है दो
जो सोमेटिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं आपस में, फ्यूज्ड होकर क्या करती हैं, डाइकैरियोटिक बनाती हैं, यानी मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक बनाती हैं। तो ये डाइकैरियोटिक बनाने का काम कौन करता है, क्लैंप कनेक्शन। तो ड्यू टू क्लैंप कनेक्शन जो सोमेटोगैमी जो है प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, उसके द्वारा सोमेटिक सेल्स फ्यूज हो जाती हैं और डाइकैरियोटिक सेल बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेसिडियम। तो बेसिडियम जो होता है उसमें बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि जो बेसिडियोस्पोर है उनका निर्माण कैसे होता है। तो बेसिडियोस्पोर का निर्माण जो है एक्सोजीनस होता है, बाह्यजात होता है। हमने वहां पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज में तो एंडोजीनस होता है, यानी अंतर्जात होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बेसिडियम है उसका जो निर्माण है वो क्या होता है, एक्सोजीनस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो जैसे ही बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है उसके बाद में जो सराउंडिंग हाइफी है, यानी उसके आसपास के जो हाइफी हैं वो क्या करते हैं, जो एक्सोजीनस है वो, सॉरी, जो बेसिडियोस्पोर है उसके चारों ओर एक कवर का निर्माण कर लेते हैं और उसी कवर को बेसिडियोकार्प कहा जाता है। तो ये जो बेसिडियोकार्प है, ये इस जो बेसिडियोस्पोर है उसके चारों तरफ एक आवरण का निर्माण कर लेते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, वो आवरण फट जाता है और बेसिडियोस्पोर जो उस आवरण को जो भेद करके बाहर आ जाते हैं वो फटने के बाद में, और जब फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स। डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये स्टेम रोस्ट ऑफ वीट का है, जो कि वीट के स्टेम को अफेक्ट करती है। तो ये ब्लैक कलर की होती है, इसी वजह से इसे ब्लैक रस्ट भी कहा जाता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये लीफ रस्ट ऑफ वीट का है, जो कि क्या करता है, जो वीट और बार्ले है उसकी लीफ को अफेक्ट करता है। ये जो डायग्राम है स्ट्रिप रस्ट ऑफ वीट का है, इसमें जो वीट की जो लीव्स हैं उसमें येलो कलर की धारियां बन जाती हैं, इसी वजह से इसे येलो रस्ट भी कहा जाता है। ये डायग्राम लूज स्मट ऑफ वीट का है, जो कि वीट की बाली को पूरी तरह ख़राब कर देता है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये स्मट ऑफ मेज का है, जो कि मक्का में होता है और मक्का के पूरे दाने को ख़राब कर देता है। तो आइए एग्जांपल्स को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में सबसे पहले आता है रस्ट फंजाई, जो कि होता है पक्सीनिया की वजह से। तो ये जो रस्ट फंजाई होता है जिसका कॉज होता है पक्सीनिया, इसका यानी मुख्य एग्जाम्पल जो है वो है पक्सीनिया। तो जो पक्सीनिया है वो वीट में और बार्ली में कॉमनली डिजीज उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर पक्सीनिया की तीन वैरायटी पाई जाती हैं। तो पहला है पक्सीनिया ग्रामिनिस, जो कि स्टेम रस्ट या जिसे ब्लैक रस्ट भी कहा जाता है। तो स्टेम रस्ट इसे किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेम में डिजीज उत्पन्न करती है, यानी कि वीट और बार्ले यानी गेहूं और जो है उनकी जो स्टेम है वहाँ पर ये क्या करती है, बीमारी उत्पन्न करती है, उसको खराब कर देती है। सेकेंड है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, ये जो होता है लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट भी कहा जाता है इसे। तो लीफ रस्ट और ब्राउन रस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का होता है, और लीफ रस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गेहूं और बार्ले की लीफ में होती है। थर्ड है पक्सीनिया स्ट्राइपॉर्मिस। तो पक्सीनिया स्ट्राइपॉर्मिस जो है इसको स्ट्राइप या स्ट्रिप रस्ट या येलो रस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर येलो कलर का होता है और ये गेहूं की स्ट्रिप पर रस्ट उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल। तो जो इसका लाइफ साइकिल होता है पक्सीनिया का वो दो होस्ट में कंप्लीट होता है, पहला होता है वीट और सेकेंड होता है बार्ले। और यहाँ पर पांच फेज पाई जाती हैं, उन पांच फेज के आधार पर ही इनमें पांच स्पोर बनते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पक्सीनिया है उसकी लाइफ साइकिल में कितनी फेज होती हैं, तो उसकी लाइफ साइकिल में पांच फेज होती हैं और पांच ही स्पोर बनते हैं। तो पहला है यूरिडोस्पोर, सेकंड है टेलिटोस्पोर या इसको टीलियोस्पोर भी कहा जाता है, थर्ड है बेसिडियोस्पोर, फोर्थ है पिक्नोस्पोर और फिफ्थ है एसियोस्पोर। तो नेक्स्ट आता है डिस्कवर्ड ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ वीट इन इंडिया, यानी कि
वीट के अंदर स्टेम रस्ट की खोज जो है वो किसने की थी? वैसे जो बाकी के जो रस्ट की खोज जो है वो विदेशी वैज्ञानिकों ने की थी, तो यही एक खोज है जो एक इंडियन वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि स्टेम रस्ट ऑफ वीट यानी कि स्टेम रस्ट की खोज की थी वीट के अंदर। तो उनका नाम है प्रोफेसर केसी मेहता जो कि नॉर्थ इंडिया के थे। नेक्स्ट है स्मार्ट फंजाई। तो स्मार्ट फंजाई का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अस्टिलागो। तो यहाँ पर अस्टिलागो की दो स्पीसीज हैं जो कि डिजीज उत्पन्न करती हैं। फर्स्ट है अस्टिलागो ट्रिटिसाई या अस्टिलागो न्यूडा जो कि लूज स्मार्ट ऑफ वीट एंड बार्ले यानी कि गेहूं और बार्ले में बीमारियां उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है अस्टिलागो माइडिस जो कि मक्का के अंदर बीमारी उत्पन्न करती है स्मार्ट ऑफ मेज। तो ये थे इसके बैसिडियोमाइसिटीज के सारे एग्जाम्पल्स। तो ये बैसिडियोमाइसिटीज खत्म होता है यहाँ पर। Thanks for watching me.